तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बेन दिशा वकानी को अश्लील पोस्ट में किया टैग। एक्ट्रेस ने दी थी ट्रोलर्स को चेतावनी। जी हां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी को उनके फैंस काफी मिस करते हैं। दिशा को शो में आखिरी बार साल 2017 में देखा गया। तब से लेकर अब तक उनकी वापसी की खबर तो आती है पर दिशा नहीं आती। जी हाँ, तारक मेहता में दया बेन अपने खास एक्सेंट और गरबा खेलने के अंदाज से पॉपुलर हुई थी पर साल 2018 में दिशा को अपनी लाइफ में कुछ बुरा झेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस चुनौती का भी दया बेन के स्टाइल में ही सामना किया। साल 2018 में दिशा वकानी को सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री में टैग किया जाने लगा। दिशा को जब इसका पता चला तो वे बेहद नाराज हुए। एक्ट्रेस ने ऐसा करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी कि अगर टैग करना बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इन अश्लील कंटेंट में टैग होने के बाद सोशल मीडिया पर दिशा को ट्रॉल का सामना करना पड़ा। काफी ट्रॉलिंग के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दिशा वकानी ने इसे खत्म करने का फैसला किया और इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था, ये आखिरी चेतावनी है, मुझे अनुचित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री में टैग करना बंद करें। मुझसे या मुझसे जुड़ी सभी तस्वीरों का स्वागत है लेकिन कुछ नहीं। दिशा की वापसी को लेकर कहा जा रहा है कि वह तारक मेहता में वापस तो आना चाहती है लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा फीस डिमांड कर रही है और शो के मेकर असद मोदी दिशा के इस डिमांड से सहमत नहीं है। हालांकि दिशा के फैंस उन्हें दया बेन के रूप में देखने के लिए बेताब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शो में दया बेन की वापसी होती भी है या नहीं।